अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जो प्रवक्ता टीवी पर बैठते हैं, डिबेट में आते हैं, इतने सारे सवालों के जवाब देते हैं, पार्टी के भीतर उनकी अपनी ट्रेनिंग कैसे होती है, उन्हें कौन सिखाता है, उन्हें कौन बताता है, वो पॉलिसी इश्यूज को लेकर अपनी राय कैसे बनाते हैं, पार्टी का आला कमान क्या वक्त वक्त पर उनसे मिलता है। चलिए मैं आपसे सीधा ही पूछता हूँ, प्रधानमंत्री से कितनी बार मुलाकात हुई आपकी, और जब मुलाकात हुई तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपसे? वैसे तो हमारी प्रधानमंत्री जी के साथ अलग अलग समय पर पर्सनल मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी के स्तर पर करता हूँ। पार्टी के स्तर पर नेशनल एग्जीक्यूटिव जब हमारी होती है, और वो कम से कम साल में दो बार होती है, तो हम मिलते ही है प्रधानमंत्री जी से। वो खुद आते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं, बताते भी हैं कई बातें, और बहुत सरल और बहुत ही सहज मीटिंग होती है। ऐसा नहीं होता है कि उसमें कोई फॉर्मेलिटी होती है। एक हम लोगों को मौका मिलता है कि प्रधानमंत्री जी हो, राष्ट्राध्यक्ष जी हो, बड़े नेता, उनके साथ हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही हेल्दी एटमोसफियर है। जैसे आप लोगों के न्यूज रूम काफी डेमोक्रेटिक होते हैं, सारे लोग एडिट मीटिंग में बैठते हैं, तो हम लोगों को भी वैसे मौका मिलता है। तो वो हमारी एडिट मीटिंग होती है एक प्रकार से। जहां तक डेली का जो सवाल है कि भाई कैसे तय करते हैं कि क्या लाइन लेनी है, किन बातों पर कितनी बात रखनी है, उसका रिसर्च और वगैरह, तो हमारे एक मीडिया डिपार्टमेंट है जिसको अभी अनिल बलूनी जी, राज्यसभा सांसद भी है, वो खुद एक पत्रकार रह चुके हैं, शायद दैनिक जागरण में बहुत समय पहले वो रहा करते थे। तो वो उत्तराखंड से है, पर जब वो मीडिया में रहे होंगे तब तो उत्तर प्रदेश एक ही था, फिर स्टेट बना, तब उस समय पर वो है पत्रकार, अब वो मीडिया डिपार्टमेंट 9 वर्षों से देख रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर ऐसा है कि जो नॉर्मल एवरीडे के मुद्दे होते हैं, हर रोज के मुद्दे, उसमें तो देखिए हम लोग एक्सपीरियंस है, हम लोग अनुभवी है, हम लोगों का बैकग्राउंड है, तो हमको पता ही है कि पार्टी की लाइन क्या है। कभी कभी कुछ ऐसे पेचीदे मुद्दे होते हैं जिसमें कि एडिशनल ब्रीफिंग की आवश्यकता होती है, तो बलूनी जी अपने लेवल पर बात करके पार्टी के आला नेताओं से वो हमें एक बैठक रखते हैं, और वो हमें बताते हैं कि देखिए इन चीजों पे इसको अवॉइड करना है और ये चीजें अपने को रखनी है। और जब कोई ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज हो, कोविड के समय जैसे कोविड की जो स्थितियां थी, तो उसको लेकर मनसुख मंडाविया जी ने हमें ब्रीफ किया था। जब कोई विदेश नीति के मुद्दे होते हैं तो जयशंकर जी हमें ऑनलाइन ब्रीफिंग देते हैं। G20 के विषय में इस प्रकार से मीटिंग रखी गई थी। कभी कोई और विषय हो तो उसके डोमेन एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो हमें टाइम टू टाइम ब्रीफ करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर करते हैं, होम मिनिस्टर करते हैं। 370 जब हटा, तब मैं तो पार्टी में नहीं था, पर जब 370 हटा था तब अमित शाह जी ने मीटिंग ली थी, तो उन्होंने प्रवक्ताओं को ब्रीफ किया था। तो जब बड़े एकदम चीज बड़ा दिन होता है या कोई बड़ा इनिशिएटिव होता है, तो उस पर तो जो विभाग का मंत्री है वो हमें ब्रीफ करते हैं, और जो एवरीडे के मुद्दे होते हैं उस पर बलूनी जी बोलते हैं हमें, या बलूनी जी के कभी कभी बात करके वो उस पर क्लैरिटी लेकर हमें ब्रीफ करते हैं। हमारे यहाँ पे बड़ा प्रोफेशनल सिस्टम है, हमारे यहाँ रिसर्च को बहुत महत्वता दी जाती है। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, पार्टी के ही लोग हैं, वो रिसर्च भी करते हैं और हम भी अपने अपने तरीके से उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। बलूनी जी का खुद का इतना अनुभव है तो वो भी उन चीजों को जोड़ते हैं, और फिर एक हम लोग अपने बीच में एक मेंटली 10-15 पॉइंट बना लेते हैं कि भाई ये चीजें हैं जिसको हमें आगे करनी चाहिए। तो बीजेपी बहुत प्रोफेशनली चलती है इन चीजों में, ऐसा नहीं है किसी के मन में आया। टीवी डिबेट्स को लेकर कभी कोई फीडबैक भी मिलता है क्या? अच्छे तरीके से पक्ष रखने पर शाबाशी, या कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, ये होता है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि टीवी पर तो ठीक दिखता है, पीछे फीडबैक क्या होता है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए ऐसा है कि हमारे जो भी प्रवक्ता जब भी कोई टेलीविजन शो पर जाते हैं, और पार्टी उनको भेजती है पहले, तो मैं अपनी मर्जी से कहीं पर नहीं जाता। आपके भी शो में जब आता था तब आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर मेरी पार्टी से समय मांगते हैं, और मेरी पार्टी चयन करती है कि किस प्रवक्ता को कहाँ भेजना है। तो उस हिसाब से मान लीजिए मैं आपके शो पर हूँ, तो मेरी परफॉर्मेंस देखी जा रही है, मॉनिटर की जा रही है, और केवल एक लेवल पे नहीं कि पार्टी की एक व्यवस्था है वहां पर उसको मॉनिटर किया जा रहा है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग, हमें तो पता भी नहीं होगा कि कौन उसको मॉनिटर कर रहा है, पर जो भी मॉनिटर करता है वो सटीक फीडबैक बलूनी जी को भी देता है, मीडिया डिपार्टमेंट को भी देता है कि यार इस प्रवक्ता ने अच्छा किया या इस प्रवक्ता ने यहाँ गलती की। फिर डिपेंडिंग कि कितनी गंभीर सिचुएशन है, मान लीजिए कि बहुत बड़ी गलती हो या बहुत बड़ी चूक हो, तो बलूनी जी निश्चित रूप से हमें बुलाते हैं और काउंसिल करते हैं कि यार ऐसे नहीं, अगर इसको ऐसे अप्रोच करते तो बेहतर होता। अगर बहुत ही बड़ी गलती कर दी हो तो हो सकता है कि वो थोड़ा कान भी खींच ले, पर वो अमूमन कम होता है कि
क्योंकि हमारे सभी प्रवक्ता जो है वो जानते हैं कि कहाँ तक जाना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, सारे अनुभवी लोग हैं। पर कभी कभी अगर गलती हो जाती है तो जितना उचित है उतना हमें बोला भी जाता है और हमें आगे के लिए गाइडेंस भी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिवली बोला जाता है। हाँ, पर अगर कोई बात बाकी हाथ से निकल जाए तब फिर थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ता है, परंतु ऐसा ऐसी स्थिति कभी निर्माण नहीं होती। हम लोग को टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहते हैं और हम लोग हर हफ्ते कम से कम हर हफ्ते मिलते हैं। अगर हर हफ्ते नहीं मिलते, हम जैसे मैं तो दिल्ली रहता हूँ तो मैं तो बलूनी जी से हर दूसरे या तीसरे दिन फोन पे या फिजिकली मिलता हूँ, तो हर प्रवक्ता से वन टू वन बात भी करते हैं कि भाई आपका ये ऐसे चल रहा है, ये है, वो है, तो समय देते हैं और वो पूरा समय इसी में लगाते हैं कि हमें फीडबैक दे, हमें गाइड करें, तो उससे हमारा ठीक रहता है मामला। फिर हम सुधांशु जी से बात कर लेते हैं, कभी सुधांशु जी से बात कर लिया, कभी कोई विषय है जो मुझे लगता है प्रेम शुक्ला जी उस पर ज्यादा जानकारी रखते हैं तो उनको फोन कर लिया, या के शर्मा को फोन कर लिया, तो वैसे हम लोगों के बीच में एक सहज रिलेशनशिप भी है। कभी उनको लगता है कि मैं किसी विषय पर जानकारी रखता हूँ या कोई फैक्ट मेरे पास है तो वो पूछ लेते हैं, तो ऐसे आदान प्रदान चलते रहते हैं।